हेलो एवरी वन दिस इज डॉक्टर अक्षय जुनेजा करेंटली एन इंटर्न आई वेलकम यू ऑल इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी मेडिकल स्टूडेंट हु इज़ स्टार्टिंग नाउ और इवन इफ ही इज इन ही और शी इज इन देयर फाइनल ईयर राइट सो दिस इज अ ट्रैप फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स दैट एवरी वन शुड अवॉइड टू बी इन इट राइट सो ट्रैप का मतलब क्या है दो मतलब हैं ट्रैप के दो बड़े ट्रैप जो मेरे ख्याल से जो सब फेस करते होंगे फर्स्ट इज द रीजन टू एक्ट परप्लेक्सड एंड सेकेंड इज द रेस टू अक्वायर पोजिशन नाउ अब ये चीज़ क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा तो हम वीडियो शुरू करें उसके पहले जस्ट अ लिटिल अबाउट मी सो आई एम डॉक्टर अक्षय जुनिजा करेंटली एन एमबीबीएस इंटर्न इन जबलपुर एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग और यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट कर दीजिए नीचे या मेरे मैट शॉर्ट्स जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको अभी के अभी सर्च करके यू कैन ऑल्सो फॉलो देयर राइट सो नाउ लेट्स बिगिन विद बेसिकली द बिगेस्ट ट्रैप फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स राइट तो ट्रैप का मतलब क्या है जो चीज़ हम अवॉइड करना चाहते हैं तो फर्स्ट इज परप्लेक्स तो परप्लेक्स का मतलब क्या है कंफ्यूज तो क्या होता है कि आप कभी भी आप सपोज अभी सेकेंड ईयर में है आपने रॉबिन्स पढ़ना शुरू किया ठीक है तो आपको क्या लगने लगेगा आप एक चैप्टर आप एक दिन शुरू करोगे आप चार पेज पढ़ोगे उसके बाद आप हमेशा ऐसे पजल्ड हो जाओगे कन्फ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है ये मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, है ना तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज़ कि मेडिकल स्टूडेंट हमेशा परप्लेक्सड ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू अकेडमिक्स अगर आपने आज सेल इंजरी पढ़ा है बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे कि मुझसे कुछ भी पूछ लो इस टॉपिक के ऊपर हमेशा सबको ये लगता है यार नहीं हो पाता है राइट right? तो वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल इज नेवर हंड्रेड परसेंट रिटेंशन इज पॉसिबल इन योर फर्स्ट रीडिंग राइट सो हमेशा ये परफ्लेक्सड रहना क्यों दिक्कत है बिकॉज ये आगे चल के बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसिस को लीड करता है आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है आप परेशान होते हैं मेंटल हेल्थ आपकी हेम्पर होती है कई बार और सारी चीज़ें एंगजाइटी डिप्रेशन ये सब जो है ट्रिगर होता है बेसिकली अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ठीक है तो इसको रियलाइज़ क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हंड्रेड परसेंट रिटेंशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल ठीक है अगर मैं अभी पहली बार भी कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ किसी ने मुझे पढ़ाया है उसके बाद भी मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं मैं हमेशा दिमाग में यह लेके बैठूंगा कि आई एल जस्ट ट्राई टू स्टडी आई एल नॉट ट्राई टू रिटेन इट कवर टू कवर ठीक है सेकेंड थिंग रिविजन एंड रिटेंशन इज इंपॉर्टेंट नाउ क्या होता है कि पहली बार आपने सपोज माइक्रोबायोलॉजी में एक बैक्टीरिया पढ़ा स्टैफ और ठीक है अब आपको उसका सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद नहीं होंगे अभी आपको क्या याद हो गया कि अच्छा ठीक है ये फैकल्टी है ठीक है अब इसके बाद आपको याद रखना है कि ये ग्रेप लाइक -like क्लस्टर में मिलता है तो ये जरूरी नहीं है आपको फर्स्ट रीडिंग में याद हो तो इसके लिए आपको रिविजन करना है और रिटेंशन करना है ठीक है तो जब आप सेकेंड रीडिंग करते हैं आपको जैसे ही आपकी पहली बार आपने वो टॉपिक पढ़ के खत्म किया फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ चार्टिंग चार्टिंग मतलब फ्लो चार्ट बनाना है right? राइट तो अगर आपने चार पेज पढ़े हैं आप हमेशा अपने स्टडी सेशन को ऐसे ही बांटिए कि अगर मैं एक घंटा पढ़ने बैठ रहा हूँ तो एक घंटे में मैंने क्या पढ़ा मैं बस पचास मिनट पढ़ूंगा और दस मिनट में वो जो पचास मिनट पढ़ा है उसको समअप करूंगा अब इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज़ के नोट्स बनाते रहे नहीं ये आपको कहीं रखना नहीं है नोट्स बना के ये बस आपको तुरंत रफ कॉपी में या कहीं पर भी एक बार जो पूरा पचास मिनट पड़ा उसको दस मिनट में समअप कर दूँ उसको भले आप फिर फेंक दो दैट डज नॉट मैटर इट्स नॉट कि आप नोट्स बनाते रहे बट वन थिंग इज दैट देट टू चार्ट वॉट एवर यू डू बिकॉज आप अभी पढ़ा आपने फिफ्टी मिनट्स ना दिस हैज गिवन यू मैनी नॉलेज ठीक है इसने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं तो आप क्या होगा कि आप कुछ देर बाद सब मिंगल्ड अप कर दोगे क्योंकि आपने यहां से पढ़ा यहां से पढ़ा यहां से पढ़ा आपने अगर एक बार अपने दिमाग को बोल दिया कि यार इसको चल समझा मुझे खुद खुद ओके तो नाउ यू विल डू चार्टिंग इन द मैनर कि ये ऐसा हुआ ये ऐसा हुआ ये ऐसा हुआ ये ऐसा हुआ फिर आपको वो चीज़ हमेशा यू you नो know, एक कंसेप्ट रिटेन रहेगा आई एल नॉट से फैक्चुअल रिटेंशन रहेगा यू विल फॉरगेट अंदर का स्टफ बट आपको ऊपर ऊपर का हेडिंग याद रहेगी एंड दिस इज वॉट मैटर्स मोस्ट राइट देन सेकंड थिंग इज री तो री क्या है कि अब अगली बार जब मुझे वो टॉपिक पढ़ना है अगर वो मैंने रफ पेज कहीं यू नो फोल्ड करके अपनी बुक में रखा है तो आई री विजिट वाई आइट या नहीं तो जब मैं रिवाइज करूंगा तो मेरे पास हमेशा कुछ हाइलाइटेड पोर्शंस होना चाहिए हेडिंग्स होना चाहिए मुझे पहुंचना है राइट नाउ द मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर इज़ बिलीव ठीक है तो क्या होगा कि आपको लगता है कि आपने पढ़ा है वो याद नहीं है आपको बट इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन योर प्रोग्रेस तो अगर आपने अभी पूरा सेल इंजरी पढ़ लिया आपको कुछ भी याद नहीं है ना तो आपको कम से कम इंडेक्स तो याद हो गई कि सेल इंजरी रिवर्सिबल होती है रिवर्सिबल होती है फिर क्या मार्कर्स होते हैं इतना तो याद है ना तो दिस इज सफिशियंट राइट सो प्लीज स्टॉप बीइंग इन दिस ट्रैप और अपने आप को कंफ्यूज मत करो बस पढ़ते चलो ठीक है द सेकेंड थिंग इज रेज टू अक्वायर पोजिशन नाउ दिस कैन बी इन एवरी साइड ठीक है आप कभी भी कोई पोजिशन अक्वायर करने को जाते हैं तो आप बहुत परेशान होते हैं स्कूल कॉलेज की लाइफ अलग थी वहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता था Uh, जो है सिलेबस कम रहता था आप पढ़ते रहते थे अब आपके पास सौ डिस्ट्रैक्शन है सौ सोशल लाइफ है जो कि जरूरी है ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बोल सकता अब आप फ़ोन छोड़ के जो है नोकिया तैंतीस दस पकड़ लो नहीं वो आपकी लाइफ है अभी राइट right? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टॉप एक्वायरिंग पोजिशन मुझे फर्स्ट आना है मुझे गोल्ड मेडल लाना है प्लीज स्टॉप एक्वायरिंग दिस ठीक है इट्स नॉट समथिंग कि अगर आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए इट्स फाइन बट एक जब हद से ज्यादा हो जाता है ना तो वो दिक्कत होती है सो ऑलवेज़ ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ एकेडमिकली आपको पढ़ना है आप पढ़िए बट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट राइट वाई बिकॉज इसके कारण क्या होता है कि कई बार आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करने लगते हैं आप साल के शुरुआत से ही सोचते हैं अरे एग्जाम में बस यही तो काम आना है तो यही पढ़ता हूँ तो साल के अंत में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो तो सब पढ़ते हैं बट अगर आप स्टार्टिंग से ही वही चीज़ कर रहे हो जस्ट टू अक्वायर दैट पर्टिकुलर रैंक और ये एक ट्रैप होता है आप एक बार आने शुरू हो गए फर्स्ट सेकेंड फिर आपको लगेगा हमेशा हूँ हमेशा हूँ बैचमेंट्स क्या सोचेंगे अरे कोई कुछ नहीं सोचता है राइट ओनली फॉर स्टिंग फॉर एग्जाम्स इज अ वेरी बिग ट्रैप बिकॉज क्या होता है फिर आपकी सारी स्किल्स बस प्रेजेंटेशन में लग जाती है आप पढ़ोगे ना आपको लगेगा इसको मैं आंसर में कैसे लिखूँ इसको मैं आंसर में कैसे लिखूँ है ना मैं राइटिंग कैसे अच्छी करूँ कैसे मेरे को और मार्क्स मिले बट इट डज नॉट मैटर राइट देन देर विल प्रेशर जैसे मैंने कहा आप एक बार आना शुरू करोगे आपको फिर बार बार लगेगा और फिर यही चीज होती है कि स्ट्रेसफुल फोमो होने लगता है क्योंकि क्या होता है कि आप साल भर से आप सोचते हो इसी प्रॉफ में फर्स्ट आना है सेकेंड आना है जो भी है ठीक है और सेकेंड आना तो कोई सोचता नहीं है जो भी आप सोचते हो गोल्ड मेडल लाना है ठीक है तो इसके कारण आपको फोमो होने लगता है आप देखोगे कि एग्जाम के आखिरी दो महीने पहले किसी ने पढ़ के गोल्ड मेडल ले आया और हो सकता है आपने साल भर पढ़ के भी नहीं लाया और आप बोलोगे कि यार उसने तो मज़े किए फिर भी उसका हो गया तो इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट मे बी उसकी अप्रोच सही थी या मे बी वो पढ़ भी रहा हो आपको पता नहीं चला तो ओनली थिंग इज दैट इट शुड नॉट लीड टू स्ट्रेस बिकॉज अगर आप रिजल्ट से ओरिएंटेड रहते हो तो आप में स्ट्रेस डेवलप होता है एंड अल्टीमेटली क्या रिजल्ट मैटर करता है क्या प्रॉफ का रिजल्ट मैटर करता है क्या नीट पी का मैटर करता है ये सब एक मार्कर जरूर है बट वॉट ऑल मैटर्स इज योर कॉन्फिडेंस कि आपने जो पढ़ा आपको समझ में आया आप उसको कहीं अप्लाई कर पा रहे हो कुछ चीज़ अच्छी कर पा रहे हो दट सेट सो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेरी एड्रेस करी हूँ मैंने और काफी स्टूडेंट जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो अब उनको ना हो तो जल्दी से जाकर यार मेट शॉर्ट्स टाइप करो इंस्टाग्राम पर एंड मेक श्योर यू फॉलो मी देयर ऑल्सो थैंक यू सो मच स्टे सेफ स्टेट हेल्दी